ग्लॉकोमा, जिसको कि हम काला मोतिया कहते हैं, यह साइलेंट किलर ऑफ विजन होता है। इसके अंदर पेशेंट का फील्ड ऑफ विजन धीरे धीरे करके जाता रहता है और पेशेंट उस स्टेज पे हमारे पास प्रेजेंट करता है जिसके अंदर उसकी सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन भी लॉस हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है काला मोतिया का, कि आँख का प्रेशर बड़ा होना। काले मोतिया के मरीज बहुत बारी हमारे पास विदाउट एनी सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। ग्लॉकोमा के पेशेंट्स के सिम्टम्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, आँख में दर्द होना, उसके साथ साथ धुंधला दिखाई देना या रोशनी के आसपास इंद्रधनुष के रंग दिखाई देना। बहुत बारी काले मोतिया के मरीज हमारे पास रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आते हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं होता और हम जो है काला मोतिया डिटेक्ट करते हैं। काला मोतिया का एक कारण होता है आँख का प्रेशर हाई होना। काले मोतियों को दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, या तो दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं या सर्जरी से कंट्रोल कर सकते हैं। यह देखा गया है कि सर्जरी या दवाइयों का रिजल्ट सेम ही है। तो शुरू में हम पेशेंट्स को दवाइयों पे स्टार्ट करते हैं और जब दवाइयों पे भी आँख का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो फिर सर्जरी करी जाती है। काले मोतियों के मरीजों को जिंदगी भर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और इसमें कई तरीके की जांचें करी जाती है। इसके अंदर हर एक फॉलो विजिट पे या तो पेशेंट की विजन होती है और साथ में उसका विजुअल फील्ड एनालिसिस भी होता है। इसके साथ साथ एक और जांच है जिसको हम बोलते हैं OCT, ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी, वो भी करी जाती है। इसके अंदर पेशेंट की ऑप्टिक नर्व की एनालिसिस करी जाती है और ये हम हर एक फॉलो विजिट पे करते हैं और यह देखते हैं कि कितना ऑप्टिक नर्व लॉस हुआ है। यह सब जांचें इधर होती है और काले मोती का ऑपरेशन भी यहाँ पर होता है।